यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और फरीदाबाद में उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि किसी भी सरकार ने पहली बार फरीदाबाद में इतने बड़े रोजगार मेले का आयोजन नहीं किया है और हमारा मकसद कंपनियों और युवाओं के बीच का माध्यम बनकर रोजगार को जरूरतमंदों के द्वार पर लाना है। रोजगार मेले के पहले दिन 1000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया और इंटरव्यू दिए है। इस रोजगार मेले में 100 से ज्यादा कंपनियां शिरकत कर रही है। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि सभी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 14,500 वैकेंसीज यहां पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि अपनी योग्यता के अनुसार हर उम्मीदवार 3 कंपनियां इंटरव्यू के लिए चुन सकता है। गोयल ने रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का भी मुआयना किया है, साथ ही उन्होंने इंटरव्यू करने आए विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। आज यहाँ पर रोजगार मेला NSDC के माध्यम से फरीदाबाद के अंदर लगा है। इसमें 100 से ज़्यादा कंपनी आ रही है और 14,300 के लगभग आज यहाँ पर जो हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो अभी रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, चल रहा है। 400 से ज़्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ये प्रक्रिया आज और कल दोनों दिन तक चलेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से फरीदाबाद पलवल के सभी लोगों को, बच्चों को जो जॉब सीकर्स हैं, उनको इन्वाइट भी करना चाहूँगा कि आप आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ, अपना इंटरव्यू दें। एक बच्चा एक से ज़्यादा 3-3 कंपनियों में भी अपने आप इंटरव्यू देकर वो चूज़ कर सकता है, मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, उस कंपनी में जॉब चाहिए या मुझे किसी अन्य कंपनी में।